उन्होंने हमें मारा नहीं, बल्कि रोने लगी। वो रोने लगी और रोते रोते एक बात कही, बोली अब चोर भी हो जाओगे तुम। बड़ा अजीब लगा हमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी कह लीजिए, और ये मेरी खुद की कहानी है, जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हौसला देगी। कोई भी हवाबाज एक्सपीरियंस नहीं, इधर उधर से नहीं, ये मेरे खुद के साथ में हुई भी घटनाएं होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको जिंदगी में कुछ सीखने को मिले और आप बहुत आगे चल पाएं। ठीक है सर, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, रियल कहानी है। बहुत छोटे से थे हम, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। आप इस चैनल पर लगभग जितने लोग हैं, और ज्यादातर लोग जो नए भी हैं उन्हें पता चला, हम बहुत छोटे थे, 2-2.5 साल के, तो हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद एक जर्नी रही है, जर्नी मतलब एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ गया, नहीं कि कभी हफ्ते में कहीं 1 रुपया मिल गया, 2 रुपये मिल गए, होता है यार, बड़ा 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 बहुत दिक्कतों से गुजरे। तो एक जब हम छोटे क्लास में थे, 5th क्लास में होंगे, ठीक है, तो 5th क्लास में क्या हुआ, हमें ऐसा, हमने ये कहानी पहले भी शायद बताई थी, लेकिन उस समय कम लोग थे तो शायद नहीं देख पाए थे, तो इसलिए दोबारा बता रहे हैं। तो जब हम 5th क्लास में थे तो हमने जिंदगी में पहली और आखिरी और एक मात्र बार चोरी की। कहाँ चोरी की समझिए, तो हमने क्या किया, हमारे घर पे मम्मी है वो डिब्बा रखती नहीं, उस डिब्बे में कुछ रुपए वगैरह रखे रहते थे, क्योंकि हमारे नाना जो है वो पंडिताई करते थे, पंडिताई समझते हो अपने घर पे, पुजारी वगैरह, तो घर जाते थे तो मान लिया आटा आटा कोई दे गया तो उस आटे में जो रुपए निकलते थे छानने पे, तो मम्मी इकट्ठे करके रखती थी, ठीक है, तो उससे ही कभी कभी हम लोगों को कुछ, कभी 1-2 रुपए मिल गए, कभी 5 रुपए की नमकीन मम्मी ले आई तो सब लोगों ने मिलकर बैठ के खा ली, मतलब नाश्ता वास्ता तो हो जाओ, हम लोग पराठा वराठा खा के बड़े हुए, हमारी नानी ने कहा पराठे खाओ तो ताकत आएगी, ये वाली चीज़ें थी ना। तो चोरी की हमने यार, ठीक है, अब चोरी क्या करी, मतलब डिब्बा देखा यार, हर सब बच्चे सब करते थे तो अपना भी मन कराया, तो जिंदगी में हमने क्या किया, उसमें मुट्ठी भरी, हमें लगभग जहाँ तक याद था 50-55 रुपए थे, तो मुट्ठी हमने भरी, ठीक है, कुछ 1-2 10 के नोट थे, कुछ सिक्के थे, तो उस तरीके की चीज़ें आ गई। तो अब क्या हुआ, चुरा लिए रुपए, जब रुपए चुरा लिए तो बड़ा ऐश हो गई भाई। अब ऐश कैसी, स्कूल में गए, कलर नहीं थे मेरे पास, वो रंग वाले कलर आते थे, 10 रुपए गए, दिए भाई जो वहाँ पे बुआ जी टाइप बोला जाता था जो काम करती थी, तो उनसे कहा जाओ एक नया कलर लेके आओ, नए कलर मंगाए, लोग अरे सत्यम भाई जलवा काट दिया, नए कलर से लिख रहा हो, बेहतरीन इमली खा रहा है, दोस्तों को खिला रहा है, चूरन वूरन खा रहा है, चॉकलेट लेके आए, जबकि आज की डेट में हम चॉकलेट खाते ही नहीं हैं, कुछ नहीं खाते हम, लेकिन मंगा रहे, बेहतरीन व्यवस्था। तो मम्मी को पता चल गया भाई ऐश होएंगे बच्चे के, मम्मी को नहीं पता चले कैसे, मम्मी ने घेर लिया हमें, 1-2 दिन देखा उन्होंने, घेर लिया हमें कमरे में। अब यहाँ पे बहुत कुछ सीखने लायक है इस कहानी में, उन्होंने कमरे में हमें बैठा ला, कमरा बंद किया और मारा नहीं, बहुत छोटे थे हम, लगभग 4 साल की, कहानी वहां से बदली है, ऐसी बात नहीं, मेहनत हमने बहुत की, शुरुआत से की, बहुत कुछ किया, लेकिन 4th क्लास में हम शायद थे और तब से जिंदगी बहुत चेंज हुई मेरी। 4th क्लास के बाद से हमने बहुत काम किया मेरे भाई, 2003 की बात होगी सर, ठीक है, मतलब काफ़ी पुरानी बात हो गई है, बल्कि हो सकता 3 या 4 के आसपास की बात हो, सन हमें एग्जैक्ट याद नहीं। तो हुआ क्या, मम्मी ने हमें बैठा ला सुकून से, जो हमने यहाँ पे कम्युनिटी डाली थी, तो कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो 35+ वाले भी मेरी वीडियो देखते हैं, पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सीखने लायक बात दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी है और मम्मी के लिए भी है, मम्मी पापा के लिए भी है। उन्होंने हमें मारा नहीं, बल्कि रोने लगी, वो रोने लगी और रोते रोते एक बात कही, बोली अब चोर भी हो जाओगे तुम। बड़ा अजीब लगा हमें, हम चुपचाप बैठे हुए थे, छोटे से थे, 3-4 साल के, लेकिन समझ में आता था, जब हमारे पिताजी खत्म हुए तो हम बहुत छोटे थे, 2.5-3 साल के, लेकिन हमें आज भी याद है, लोग उन्हें उठा के ले जा रहे थे, 4-5 लोग, ठीक है, और उसके अलावा बहुत छोटी छोटी मेमोरीज हैं, वो आते थे रात में, ट्रक ट्रक चलाते थे तो रात में आके लेट जाते थे, हम खिड़की के पास जाते, सुबह उन्हें जगाते थे, छोटी साइकिलें, साइकिल चलवाते थे, छोटी वाली साइकिल थी वो, तो याद हमें सब है, ऊपर वाले की दुआ है क्या है पता नहीं, लेकिन हमें याद है, ठीक है भाई। तो रोते रोते बोली अब चोरी भी करोगे तुम, बताओ तुम्हारे पिताजी ना ही हैं और तुम ऐसो करियो तो बताओ कैसे, हम कैसे रह पाएंगे, बताओ तुम्हें देख देख के तो हम जिए थे। इस तरीके में उन्होंने बहुत सारी इमोशनल बातें हमसे की, कोई नहीं था कमरे में, सिर्फ हम, मम्मी, कमरा बंद था, और जब कमरा बंद, सोचने लगे हम भी, रोने लगे थोड़ी देर बाद, उन्होंने कहा हमने तुमसे कुछ छुपाया है क्या, सब कुछ तुम्हारे सामने पड़ा रहता, तुम्हें कुछ, हाँ मालूम है हम तुम्हें उतना सब नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमसे कहो या तुम चोरी करोगे। और पता नहीं क्या हुआ, वो बात हमें ऐसी टच कर गई। देखो भाई, जिंदगी में गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती को रिपीट करता है वो बेवकूफ होता है, और उस दिन का था, आज का दिन है, कभी जिंदगी में किसी का 1 रुपया नहीं चुराया यार। जैसे बहुत सारे लोग हमसे कहते भी रहते हैं, यार क्या अपनी मस्ती में रहते हो, मस्ती में रहते हो यार। देखो मेरा मानना यह है, जिंदगी में चोरी करके कहाँ जाओगे यार, कहाँ जाओगे बताओ।
और केवल एक चोरी ही नहीं, ऐसी बहुत सारी, जैसे एक लड़का हमारे यहाँ पढ़ने आता था, वो सिगरेट विगरेट पीने लगा था 9th क्लास में 10th क्लास में, दारू भी पीने लगा था, ऐसे सुनने में आया था कि पिताजी फ्रिज में रखते थे, निकाल के पी लेता था। हमने उसे एक बार बैठा ला, समझाया उसे, बहुत समझाया, सिगरेट मंगवाई दो, हमने कहा चलो पीते हैं, दोनों लोग, रोने लगा। और उसके बाद हमें कभी दोबारा नहीं सुनने को मिला कि उसने ऐसा कुछ किया, बाकी वो कुछ भी कर रहा हो जिंदगी में, और अगर वो करेगा भी तो वो उसका फैसला है। लेकिन जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जो उस टर्निंग पॉइंट पे घूम जाता है उसकी जिंदगी पलट जाती है। दोस्त सोचिए, उस दिन मेरी मम्मी ने हमें मारा होता, सबसे अच्छी बात है उन्होंने किसी को बताया भी नहीं, ये बात हम आपको बता रहे हैं, बच्चों को हम बता देते हैं, लेकिन उन्होंने मोहल्ले में ढिंढोरा नहीं पीटा कि आज हमारे सत्यम ने चोरी की है। माता पिता की एक बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर बच्चे ने कोई गलती करी भी है तो सबको बताएंगे, खास करके मम्मी लोग, की आज हमारे उसने ये कर दिया, ये कर दिया, तो वो बातें फैलने लगती हैं। हमेशा याद रखें, जो माता पिता भी वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों की बुराइयों को उन्हें समझाएं, लेकिन ढिंढोरा ना पीटें। ढिंढोरा पीटने से बच्चा बदनाम हो जाएगा, सुधरेगा नहीं जिंदगी में, याद रखिए। उसी तरीके से ढिंढोरा नहीं पीटा, और जो अच्छाइयां हैं उन्हें बताओ सबको, क्या दिक्कत है कि हमारा बच्चा ये कर रहा, क्योंकि आप क्या चाहते हो, आप यही तो चाहते हो कि आपके बच्चे का खूब नाम हो, जिससे आपका नाम हो, अच्छाइयां दिखाओ लोगों को, बताओ। लेकिन कभी हमारी मम्मी ने कभी भी कोई गलत चीज स्प्रेड नहीं करी चारों तरफ कि हमारा बच्चा ये कर रहा वो कर रहा है, सब बिगड़ते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया, और करते 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 आप सभी लोग अच्छे हो गए। हमसे छोटी वाली बहन, उसने भी डीएलएड कर लिया, उससे छोटी वाली बहन बीएड हो गया, सब लोग पढ़ लिख गए, बढ़िया, बेहतरीन, हजारों बच्चे पढ़ा दिए हमने, पढ़ने आते हैं यहाँ पे, देखो लाखों आदमी जुड़ गए आप। और ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी, पिताजी के मरने के बाद से बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी, बाकी क्या जिंदगी चल रही। ये कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं, मेरे दोस्त जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमसे कनेक्टेड हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे कहीं ना कहीं रिलेट किए होंगे, हमसे जुड़े होंगे ना, देखा होगा यार ये भी कोई व्यक्ति है हमारे टाइप ही, देसी आदमी है, आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और शायद इसीलिए वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे भाई, जिंदगी में गलती सबसे होती है, आपने नहीं पढ़ाई की कोई बात नहीं, आज इस वीडियो को वो टर्निंग पॉइंट बना लीजिए, हमें जो समझना हो समझ लीजिए। हम हमेशा कहते हैं जितने लोग सबके अंधाधुंध पैर छूते हैं, मत छूओ यार, ऐसा दारूबाज आदमी है, चाचा है, लेकिन क्यों छुएंगे पैर दारूबाज के। दो तीन लोगों के पैर छुआ, आपके मम्मी है, पापा, आपके गुरुजी, वो भी वो गुरुजी जिन्होंने आपको कोई नया रास्ता दिखाया है, आपकी जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट लेके आया, बस वो भी आपका मन करे तो बन नमस्ते कर लो, ठीक है यार। हम नहीं कहते दारू, पिताजी भी अगर दारूबाज है मत पैर छुओ यार उनके, सीधी बात, नमस्ते करो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको कुछ मिले उनके पैर छुओ, सबके नहीं, वो भी घुटने, अगर घुटने नहीं छूने हैं, जेब में नहीं चेक करनी, छूना है तो फिर पूरा बैठ के नीचे, क्या नाम, पैर के अंगूठों के नाखून है उन्हें छुओ, तो लगे सामने वाले आदमी झुका है हमारे सामने, ये चीजें हैं। तो बस यही है, जिंदगी की एकमात्र गलती थी आपके साथ शेयर कर दी, सबके साथ जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आता, और वो जो मम्मी ने रो के कहा था अब यह भी होगा, बड़ा दिल पे लगा यार हमारे, ठीक है। और ऐसी कई सारी बातें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, कई सारे लोगों ने कहा, हमारे रिश्तेदारों ने पता नहीं कौन कौन सी बातें कहीं, और वो सारी बातें कहीं ना कहीं इकट्ठी होती गई। जैसे हमसे एक बार हमारे एक रिश्तेदार ने कहा था कि अल्लाह तुम हमारी बराबरी करो ना ही कर पाइयो तो हमने मम्मी से कहा, हमें इनकी बराबरी नहीं करनी है, जो आदमी जो छोटे लोग होते हैं उनकी बेइज्जती करे, उनके सामने उनकी इंसल्ट करे, मेरे हिसाब से हमें बराबरी करनी भी नहीं है, सीधी बात, ऐसे लोगों की बराबरी नहीं करनी यार। और अब पहले थोड़ा सा बीच में हमें ऐसा लगने लगा, हम अभी भी बीच बीच में सीखते रहते हैं अपने आप से, बीच में हमें थोड़ा सा लगने लगा था यार नहीं, लेकिन अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि जिंदगी में पोलाइटनेस बहुत बड़ी चीज़ है, विनम्र बनना बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब चीज़ें सीखिए। और जितनी भी गलतियाँ, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं स्वैग है, ठीक है, बाल इधर से कट लगवा लिया या कुंडल पहन लिया, वो होगा स्वैग, हम कई बार करें, लेकिन एक जो सभ्य व्यक्ति, हमारी जो भारतीय परंपरा, जो अलग से दिखता है व्यक्ति, उसका मजा ही अलग है भाई। एक जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसके नीचे जाके कमेंट, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट पढ़ लीजिएगा जाके, और एक कोई ठुमका लगा के जो है पता नहीं लड़का है लड़की बन के डांस कर रहा, हम उसे गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके नीचे के कमेंट पढ़िएगा जाके। तो बस भारतीय संस्कृति को लेके आगे चलिए जिंदगी में, और हमेशा कहते हैं नहीं कि उठे रहिए विचारों से, लेकिन जुड़े रहिए संस्कारों से। आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है, हम लोगों को बहुत उम्मीद है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब तो 1 लाख के बहुत करीब आ गए हम लोग, और जल्द ही कुछ अच्छा लाएंगे, सब लोग मिलेंगे भी, जो लोग मिलना चाहते हैं, यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और ज़रूर मिलेंगे, मिलके एक बेहतरीन सा केक काटेंगे, और कुछ थोड़ी बहुत पार्टी भी हो जाए, क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट होता है 100K सब्सक्राइबर्स, और केवल यहीं पर नहीं,
टेलीग्राम पे 5,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं और अपने बाकी जो चैनल है वहां भी किसी पे 6,000 5,000 7,000 यानी बी डिकेडियन जो हमने सोचा था, एक सोच थी 2 साल पहले कि बी डिकेडियन को एक ब्रांड बनाना, लोगों तक पहुंचाना, कहीं ना कहीं आप तक वो चीजें पहुंच रही हैं। तो जुड़ जाइए हमारे इस डीकेडी ग्रुप से, बन जाइए डीकेडियन और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। थैंक यू, एक्सपीरियंस शेयर किया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अपनी पुरानी यादों को ताजा करके। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।